हिमाचल प्रदेश में 52 से लेकर 73 बर्फानी तेंदुए के मिलने का अनुमान है। हिमाचल बर्फानी तेंदुए और इसके शिकार बनने वाले जानवरों का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य है। राज्य वन विभाग के वन्य प्राणी विभाग ने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन बेंगलुरु के सहयोग से राज्य में बर्फानी तेंदुए की गिनती की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया के प्रोटोकॉल के आधार पर बर्फानी तेंदुए की गिनती का आकलन किया गया है। 3 साल तक बर्फानी तेंदुए की गिनती की गई। आजकल वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें वन्य प्राणियों के संरक्षण व संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्नो लेपर्ड हिमाचल का वन ऑफ द टॉप प्रीडेटर्स है और वन ऑफ मतलब एक सुंदर और दुर्लभ प्रीडेटर है। स्नो लेपर्ड का मुख्य जो जगह है जहाँ ये पाया जाता है वो लाहौल स्पीति, लाहौल में भी, स्पीति में भी, पांगी में भी और किन्नौर में भी। इसके अलावा सेचुतवान सेंचुरी, कुक्ती सेंचुरी, इनमें भी इसके एविडेंसेस रिकॉर्डेड हैं। जितने भी प्रदेश हैं जो जहाँ पे स्नो लेपर्ड होते हैं, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, इन सब में एक एक्सरसाइज करने का प्रावधान किया गया था। हिमाचल ने इसको पूरा किया। लगभग 3 वर्ष का समय इसमें लगा। हिमाचल ने एक एजेंसी को एंगेज किया था, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जो कि मैसूर बेस्ड है। उनके सहयोग से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वाइल्ड लाइफ विंग ने मिलजुल के इसका एस्टीमेशन किया था। 2019 में फाइनली हमारे पास इसके आंकड़े सामने आए। तो ये सेंसस नहीं होके एस्टीमेशन की एक्सरसाइज है, जिसमें कि हमको ये पता लगा कि हमारे पास कम से कम 52 और अधिक से अधिक 73 स्नो लेपर्ड हिमाचल में रिकॉर्डेड पाए गए। स्नो लेपर्ड के ऊपर पिछले 4 वर्ष से हम एक प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। पहले हमने एक और प्रोजेक्ट चलाया था जिसको कि स्नो लेपर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका फेज 1 चला था। अब फेज 2 का इंतजार हम कर रहे हैं। इन द मीनवाइल UNDP, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की मदद से हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसका नाम है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हाई रेंज माउंटेन इकोसिस्टम्स जो है उनमें लैंडस्केप लेवल की कंजर्वेशन करना, यानी कि हम सिर्फ जंगली जानवरों की कंजर्वेशन नहीं कर रहे, हम वहाँ से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, खासकर जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे लोग वहाँ कम्युनिटीज रहती हैं, उनकी मदद से इस कंजर्वेशन को बढ़ावा देना, ताकि हम लोगों की लाइवलीहुड को बढ़ा सकें। और लाइवलीहुड अगर बढ़ता है तो जंगलों में लोगों का जाना कम होता है, जिससे कि कंजर्वेशन बढ़ता है। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हमने इसमें अभी हमने कुछ लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।